आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप ब्लाउज के गले में दो तरह से पाइपिंग लगाना, जिससे आप बड़ी आसानी से और फिनिशिंग के साथ अपने ब्लाउज के गले को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये दोनों हैं ब्लाउज के पीछे के पार्ट। तो पहले मैं आपको डबल कपड़े से पाइपिंग बनाना सिखाऊंगी, जिससे बहुत सुंदर गोल पाइपिंग बनती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसमें बताती हूँ। अभी इसको हम साइड से रख देंगे। अब लेना है आपको ब्लाउज के बचे हुए कपड़े को और उसमें से तिरछी पट्टियां काट कर निकालना है। तो इसमें हम ब्लैक कलर के कपड़े को यूज करेंगे, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। अब लेना है स्केल। स्केल को आपको इस तरह तिरछा रखना है। जब भी आप ब्लाउज के लिए पट्टी निकालते हैं तो हमेशा आपको स्केल तिरछी रखना है। ये पट्टी तिरछी ही निकाली जाती है और इसकी साइज रखी जाएगी 1.5 इंच की। आप इंची टेप से भी नाप कर देख सकते हैं। इस तरह 1.5 इंच की पट्टी आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच की दो पट्टियां निकाल ली हैं। बस इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह आपको दो पट्टियां निकालना है। पीछे के गले के लिए दो पट्टियां हो जाती हैं, लेकिन जब आप पूरे ब्लाउज के लिए निकालते हैं तो आपको 4 पट्टी निकालना है। 4 पट्टी में बहुत फिनिशिंग के साथ आपका गला बनकर तैयार हो जाएगा और कपड़ा कम भी नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करना है कि एक पट्टी को सीधा रखना है और दूसरी पट्टी को उल्टा रखना है और इसकी जो नोक है उसकी अच्छे से सेटिंग करना है। इस तरह मिलाकर रखें और इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देंगे। इसमें बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि एक नोक इसकी इस साइड होगी और दूसरी नोक इस साइड होगी। तिरछी मिलाकर आप सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। और अगर आपसे तिरछी पट्टियां ज्वाइंट करते हुए नहीं बनता है तो आगे मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, जिससे आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस पट्टी के ज्वाइंट को 2 भाग में बांटना है। इस तरह आप इसको बांट लीजिए। दोनों साइड बराबर से कपड़ा हो गया है, जिससे एक साइड ही मोटा नहीं रहेगा। उसके बाद इस कपड़े को आपको डबल करना है। पहले यहाँ से सेटिंग कर देंगे इसकी। इस पट्टी को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसको डबल करेंगे। डबल आपको करते जाना है और अच्छे से इसमें नाखून लगाते जाना है। नाखून लगाने से ये कपड़ा लूज हो जाता है, जिससे बहुत अच्छी पाइपिंग बनती है। इस तरह आपको डबल फोल्ड करना है। तो डबल करने से अब इसके कपड़े की जो साइज है वो हो गई है 1.25 इंच, मतलब कि 1 इंच में 2 पॉइंट कम। और जब हम सिलाई डालेंगे तो ये 2 पॉइंट चला जाता है सिलाई में, तो ये बचता है हमारे पास 1/2 इंच कपड़ा। 1/2 इंच कपड़े से ही पूरी पाइपिंग तैयार की जाती है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर अच्छे से समझिए कि पट्टी को आपको कितना खींच कर पकड़ना है। इस तरह आप देख सकते हैं कि अभी हमने पट्टी को सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया है, तो ये यहाँ तक आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको चाक लगाकर दिखाती हूँ। यहाँ तक आ रही है। इस तरह आप सीधा मिलाएंगे, यहाँ पे आपको पट्टी खींचना नहीं है। तो अगर आप ऐसे ही रख देंगे इसको तो ये बिल्कुल बराबर से हो गई है, लेकिन ये जो लूज हुई है तो उसको आपको इस तरह पकड़ना है। जब आप इस तरह पकड़ेंगे तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ गई है। बस आपको पट्टी इतना ही संभालते हुए ले जाना है। इस तरह मिलाएंगे और इस तरह खींचकर पकड़ेंगे। जितना ये लूज है बस उतना ही आपको पकड़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पट्टी को बहुत जोर से खींच कर पकड़े। ठीक है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये है सीधा और इसके ऊपर पट्टी को मिलाकर रखेंगे। इस तरह मिलाकर रखेंगे और जितनी पट्टी हमारी लूज है उसको बस इस तरह मिलाते जाएंगे और इसमें सिलाई डालते जाएंगे। सिलाई यहाँ पर आपको 2 पॉइंट के हिसाब से चलाना है। 2 पॉइंट के हिसाब से पूरे में सिलाई घुमाकर तैयार करेंगे। इस तरह आपको इसमें पट्टी ज्वाइंट करना है। पट्टी ज्वाइंट करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी बढ़ती है उसको काट कर निकालना है। और यहाँ पर थोड़ी सी कपड़े की हम सेटिंग कर देंगे।
तो इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट कर इसको सेट करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो मार्जिन का कपड़ा होता है उसे ऊपर की साइड करना है इस तरह, तो कपड़ा ही ऊपर की साइड रहेगा। उसके ऊपर आपको पट्टी को पलटना है और फिर आपको यहाँ पर अच्छे से नाखून लगाना है। नाखून लगाने से जो भी मार्जिन का कपड़ा है वो ऊपर की साइड ही रहेगा। इस तरह आपको नाखून लगाना है और फिर आपको इस कपड़े के ऊपर इस पट्टी को झुकाना है। अच्छे से देखिए कि इस मार्जिन के कपड़े के ऊपर आपको इसे पलटना है और ये जो मार्जिन का कपड़ा है ये इसके अंदर रहेगा पूरा। बस फिर आपको मशीन पाइपिंग के नीचे नीचे चलाना है। इस तरह बस पकड़ते जाइए और मशीन को पाइपिंग के नीचे नीचे चलाइए। इसमें आपको ध्यान देना है कि मशीन आपकी पाइपिंग के ऊपर ना चले और ये जो मार्जिन का कपड़ा है वो नीचे की साइड को ना झुके। अगर ये कपड़ा नीचे की साइड को झुक जाएगा तो आपकी पाइपिंग खाली हो जाएगी और खाली पाइपिंग मुड़ती भी है और चपटी भी हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि मार्जिन का पूरा कपड़ा ऊपर की साइड को हो, तभी आपकी गोल पाइपिंग बनकर तैयार होगी। तो जितनी पाइपिंग आप बनाते हैं उस पर अच्छे से नाखून लगाते जाइए और सिलाई को चलाते जाइए। अब फिर आगे की साइड पाइपिंग को संभाल कर पकड़ना है और फिर उसके ऊपर नाखून लगाना है। तो इस तरह आपको बनाते जाना है। पाइपिंग में आपको ज्यादा फास्ट मशीन नहीं चलाना है और ज्यादा एक बार में ही नहीं बनाना है। बस जितना बनाते हैं पाइपिंग को उतना ही आपको मशीन चलाते जाना है। पहले थोड़ा बना लिया और फिर मशीन को चलाया, फिर मशीन की सुई को आप नीचे की साइड कर दीजिए और फिर आगे की साइड को बनाइए। तो इस तरह आपको पाइपिंग लगाना है। अगर आप इस तरह पाइपिंग लगाएंगे तो आपका गला बिल्कुल चिपक कर ही बैठेगा इस तरह, ठीक है। और पीछे भी आप देख सकते हैं कि पीछे का कपड़ा आगे की साइड मुड़कर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। अब मैं आपको दूसरा आइडिया बताती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की हाई डिमांड पर मैंने बहुत सारे पैटर्न तैयार किए हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज और सूट सलवार प्लाजो आदि, जो ज्यादातर सभी लोग पहनते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि पैटर्न क्या होते हैं, तो पैटर्न का मतलब है कि जो भी ड्रेस के निशान होते हैं वो सारे निशान कटिंग के मैंने आपको लगा कर दिए हैं, जिससे आपको एक एक निशान याद ना रखना पड़े और फिर भी आपकी ड्रेस परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग से बनकर तैयार होगी। आपको तो बस पैटर्न उठाना है, कपड़े पर रखना है और मेरे लगाए हुए निशानों पर कटिंग करना है और आपकी सेम मेरे जैसी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपको निशान मैंने लगा कर दिए हैं। और पैटर्न ऑर्डर करना बहुत ही आसान है, बस आपको राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करना है। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, जिससे आप पैटर्न से जुड़ी और भी जानकारी ले सकते हैं और अपने पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप इसका भी पैटर्न चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए इसे भी तैयार कर दूंगी, वो भी हर साइज के लिए। तो ये ले लिया है हमने दूसरे ब्लाउज के पीछे के पार्ट को, अब इसको सीधा कर लेंगे। इसको सीधा रख लिया है और इसमें लगाएंगे रेड कलर की पाइपिंग। रेड कलर की पाइपिंग लगाने से आपको बहुत क्लियर दिखेगा। तो इसके लिए हम पट्टी की साइज रखेंगे सिर्फ 1 इंच की। आप चाहें तो स्केल को रख कर भी सेम बना सकते हैं, इस तरह स्केल के पास से आप निशान लगा लीजिए। तो 1 इंच की 2 पट्टियां निकाल लेंगे। ये 2 पट्टियां हमने 1-1 इंच के हिसाब से निकाल ली है। तो अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे।
और सीधे में आपको जॉइंट करना सिखाएंगे। इसको भी सीधा कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि एक पट्टी को सीधा रखना है और दूसरी पट्टी को उल्टा रखना है। इसको सीधा किया और इसको उल्टा रखा और इस तरह मिलाकर रखिए, ठीक है। इसको आपको इस तरह मिलाना है और इसमें तिरछी सिलाई डालना है। इस कॉर्नर से मिलाते हुए इस कॉर्नर तक आपको सिलाई डालना है, जिससे सीधी पट्टी ज्वाइंट हो जाएगी। इस तरह भी बहुत आसानी पड़ती है पट्टी ज्वाइंट करने में। अगर आपसे तिरछी नहीं बनती है तो एक दूसरा तरीका है जिसे आप सीधा करके भी ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और फिर उसके बाद कॉर्नर को काटकर निकाल देना है। कॉर्नर को काटने के बाद फिर इसकी ज्वाइंट को दो भाग में बांटना है और बस मिलाते हुए आपको रखना है। इसको बस मिलाते हुए रखेंगे और बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डालते जाएंगे इस तरह। ठीक है, बस मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। तो जब आप सिलाई डालते हैं तो तिरछे कपड़े को बस इस तरह खींचकर पकड़ना है। इसको थोड़ा सा आपको इस तरह कपड़े को लेना है। तो इस तरह आपको इसमें पट्टी लगाना है। पट्टी लगाने के बाद अब इसमें आपको एक सिलाई ऊपर से डालना है। इस कपड़े को पकड़ना है आपको, मार्जिन वाले कपड़े को, और फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से सिलाई डालना है। पूरी पट्टी में हम सिलाई डाल देंगे। इस तरह कपड़े को दबाएंगे और इसके ऊपर सिलाई डाल देंगे। तो इसमें पहले हमने सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब आपको सेम प्रोसेस करना है। इस मार्जिन को इसके अंदर भरना है और जितनी साइज की आप पाइपिंग बनाना चाहते हैं उतनी साइज रख सकते हैं। इस तरह बस मोड़ते जाइए कपड़े को और पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई चलाते जाइए। बस इसी तरह आपको सेम आइडिया से बनाते जाना है और आपकी पाइपिंग बहुत सुंदर बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आप सिंगल कपड़े से भी बहुत सुंदर पाइपिंग बना सकते हैं। तो इस तरह आप ब्लाउज की गले में दो तरह से पाइपिंग लगाकर तैयार कर सकते हैं और ये दोनों तरीके आपको जरूर आना चाहिए। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये दो तरीकों में से आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आया, सिंगल वाला या डबल वाला। और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे आपके जरिए उन्हें भी सीखने को मिले। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।